पीयूष भाई घर में आते हैं, मैं और दीपक हैं और विपुल है, वो कहते हैं चाय बनाओ चाय बनाओ चाय बनाओ, चाय कैसे बनाए, चाय तो नीचे से लेके आते हैं। ये गलत है, चाय 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 बनाने की व्यवस्था करो, चाय 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 जरूरी है, चाय चाय। अब मैंने कहा भाई ये तो है जरूरी, लेकिन आईना होना चाहिए, आईना आईना होना चाहिए और ये चीजें होनी चाहिए, घर घर लगेगा और फिर उससे बात चीजें होंगी और तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा पीयूष भाई ने, मैंने कहा यार ये कौन है मनु भाई, तुम हकदार भी हो क्या इन चीजों के? जो पंजाबी बिजनेसमैन दिमाग है आपका, वो ये सोच रहा है कि जो पैसे के लिए कर रहा है उससे तो मैं पैसे मांगूंगा या देखूंगा, हाँ। उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन, हाँ। कर ले भाई, तू भी बिजनेस कर रहा, हाँ। मैं भी, हाँ। बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन जहां मुझे कला की कद्र दिख रही है वहां जो आप ठीक समझ, जहां सादगी दिख रही है, जहां सादगी दिख रही है, जो मेरे मेरे ख्वाबों का हीरो है, सुधीर मिश्रा के ऑफिस के बाहर मैं पहले दिन खड़ा हुआ था भिवंडी से आके, सुधीर भाई वहां थे नहीं, मैं करण जौहर के वहां नहीं गया, मुझे पहले दिन ही मालूम था कि कभी कोई दौर आएगा तो देखेंगे, जो अब आया है कि करण जौहर भी बुला सकते हैं एक्टिंग के लिए, उन्होंने तारीफ भी की, ट्वीट भी किया मेरा, अच्छा? बिना नाम लिए, एक शॉर्ट फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि मस्ट वॉच दिस फिल्म फॉर अ गाय हु हैज प्लेड अ प्रॉपर्टी डीलर्स, उन्होंने नाम नहीं पता, पर उतना एक्साइटेड हो गए वो फिल्म देखने के बाद कि उन्होंने ट्वीट कर दिया, वो ट्वीट मेरे डायरेक्टर ने भेजा, जिनकी मैं अभी फिल्म में एक और कैमियो करके आया हूँ लंदन में अभी, अच्छा। नवजोत गुलाटी उनका नाम है, तो वो एक अंदर बन गया कि यार इस तरीके से चलना है, और देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग दीपक डोगरियाल, पीयूष मिश्रा, बिकॉज पीयूष भाई घर में आते हैं, मैं और दीपक हैं और विपुल है, वो कहते हैं चाय बनाओ चाय बनाओ, चाय बनाओ चाय कैसे बनाए, चाय तो नीचे से लेके आते हैं। ये गलत है, चाय 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 बनाने की व्यवस्था करो, चाय 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 जरूरी है, चाय चाय। अब मैंने कहा भाई ये तो है जरूरी, लेकिन अब पीयूष भाई एकदम उछले, हाँ। नीचे उतरे, हाँ। और दो घंटे के बाद, हाँ। इतने इतने डब्बे चाय की पत्ती के भरे हुए, गैस, हाँ। का जुगाड़ पूरा, मतलब सब पैसे, सिलेंडर और गैस तुम ले लो, हाँ। बाकी सब कुछ, फ्रिज आ रहा है, शीशे आ रहे हैं, आईना होना चाहिए, आईना आईना होना चाहिए, हाँ। और ये चीजें होनी चाहिए, घर घर लगेगा और फिर उससे बात चीजें होंगी और तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा पीयूष भाई ने, मैंने कहा यार ये कौन है मनु भाई, तुम हकदार भी हो क्या इन चीजों के? पीयूष भाई कह रहे हैं नहीं मेरी जान, ये है वो है, और कुछ मोहब्बत याद करने वाले लोग आर्ट में मिलते हैं ना सर, बिल्कुल। पीयूष भाई की परफॉर्मेंस खत्म होती थी, हाँ। और मैं ठीक खत्म होने से दो या ढाई मिनट पहले आके हाँफता हुआ खड़ा होता था, हाँ। और पीयूष भाई परफॉर्मेंस का लिया सांस जड़ा हुआ, मैं यस पीयूष भाई, तो ओल्ड मॉन्क उनके हाथ ये मेरा कमिटमेंट था ना सर, अरे वाह। ये हर शो के बाद, हाँ। हर जब भी शो हुआ है, हाँ। अब वो पीयूष भाई में प्यार है कि यार लड़का स्ट्रगल से जा रहा है यार, अब लड़का ऐसा है जो लाला का बेटा है, हाँ। इसको हम उधार दें कैसे? तो गद्दे के नीचे चेक छोड़ गए, हाँ। राजकुमार संतोषी से जो भगत सिंह लिखने के लिए चेक मिला, हाँ। उनमें से एक चेक बना के छोड़ गए, और जब हमें आदत पड़ गई उनसे पैसे मांगने की, तो मैं और दीपक पैसे मांगने चले जाते थे, हाँ। डरते भी थे, हाँ। तो पहले वो 15 मिनट भाषण देते थे, अबे कर्म समझो, पैसा कमाना समझो, कुटुंब समझो, ये परिवार क्या होता है, तुम कल को बनाओगे कैसे, वो सारी चीजें हमको बोलते, फिर उसके बाद दीपक रूठ जाता था, वो मैं बोलता था यार देख तो तू पैसे मांग रहा है, ऊपर से रूठ जाता है, तो बोलता था मुझे बहुत अभी भी हंसी आती है, तो क्या हो गया पीयूष भाई नहीं है हमारे, वो नहीं देंगे तो कौन देगा, बॉस तेरे में बड़ी हिम्मत है, रुक जा चट्टा आएगा, फोन आएगा, और उनके घर के नीचे खड़े रहते थे हम, 20 मिनट में फोन आता था, आएगा चट्टा आएगा, हाँ। आएगा आएगा, तो मुझे उसमें मैजिशियन दिखने लगा, मैंने कहा यार व्हाट अ फैंटास्टिक स्टोरी, वो मतलब ये पीयूष भाई मिल रहे हैं, फिर अचानक रजत कपूर, हाँ। के साथ में सीफो क्लाउंस करने गया, हाँ। प्ले था अंतिम दिनों में था, मंच में आने ही वाला था, हाँ। प्ले,
वो आ रहा था और उन्होंने कहा मनु स्टेज पे आ जाओ, तो मुझे तो क्लाउन समझ नहीं आया, मैं राज कपूर से बड़ा क्लाउन किसी को समझता नहीं था, तो मैंने ऐसे ऐसे करके पूछा कि उन्होंने कहा नो एवरीथिंग इज नॉट राज कपूर, देयर समथिंग एल्स अबाउट क्लाउनिंग यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड ऑब्जर्व। पर मैंने बैक स्टेज किया उनके साथ, यू नो बैक स्टेज में भी आपको प्रोडक्शन हैंडल करना पूरे प्ले का, उनके साथ पूरी दुनिया ट्रेवल की, एक दो बार उन्होंने मंच पे उतार भी दिया, पर उनके साथ जो मेरा एक रिश्ता बना उसमें, जैसे मैं बोलता हूँ कि थिएटर के गुरु मेरे अरविंद गौड़ हैं, पीयूष मिश्रा हैं, वक्त है, दीपक है, ऐसे सिनेमा के गुरु मेरे रजत कपूर हैं। अच्छा, तो रजत ने कहा कि आ जा ये शूटिंग डे आफ्टर टुमारो मनु, आई सेड ओके सर, एंड दिस फिल्म विच आई एम डूइंग यू नो अबाउट इट नो, रघु रोमियो। मैंने कहा दूसरा दिन ही था, ऐसे स्टूडियो में बुला लिया और वो था 435 वाला कैमरा, वो अच्छा ये नहीं डिजिटल दौर नहीं था वो, मतलब 2000 से पहले की बात है। मैंने हाई वो दौर चल रहा था, तो जैसे ही वो, अच्छा उनको लगता था कि मनु इज गुड विद इम्प्रोवाइजेशन, तो उन्होंने Which you are, I can see. तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू बना लेगा ना, मैंने कहा हाँ क्या करेगा, तो मैंने ऐसे ऐसे करके कर दिया, तो राफे कैमरामैन और रजत ने देखा, उसने कहा वेरी गुड मनु लेट्स डू इट, और राफे ने मुझे कैमरा की लिमिटेशन दे दी क्योंकि मैंने इम्प्रोवाइज किया थिएट्रिकली, कैमरे के बाहर, कैमरे के बाहर उन्होंने मुझे ब्लॉक किया, तो मैं और ऊपर से कैमरे की आवाज पहली बार सुनी तो मैं डर गया। पहला टेक हुआ, दूसरा टेक हुआ, तीसरा टेक हुआ, चौथा टेक हुआ, पांचवें टेक से पहले रजत आके बोलता है कैन यू डू इट और नो जस्ट टेल मी, खुल के करना जो कर रहा है तू, क्या हो गया और मेरे पास इतना पैसा नहीं है यार, मेरे पास इतना स्टॉक नहीं है, यू नो हाउ मेकिंग दिस फिल्म। वो रजत का आज तक है बेचारे, वो फिल्म जादू से बनाता है, पैसे से नहीं बनाता। तो अब मुंबई में आपका आना हो गया, अभी बस उससे पहले ये हुआ कि अरविंद जी के साथ, अरविंद जी में मोहब्बत बहुत बहुत आज भी है, बहुत मोहब्बत है, नहीं आऊंगा सर्कल से तो वो घर तक आ जाते। फादर अगर हमारे ये भी पूछ ले कि इनका फ्यूचर पक्का कर दोगे आप, बेचारे सुनते थे, सबके पेरेंट्स से सुनते थे, कहते नहीं नहीं तुम चलो, तुम चलो अभी फेस्टिवल पूरा करके जाओ, हम नौ के नौ नाटक कर रहे हैं, तुम चलो तुम चलो। हमने वो नौ नाटक किए, फिर पटाख से एक और नाटक शुरू कर दिया उन्होंने, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट, जिसमें पीयूष भाई अपने मतभेद अपने सवालों के साथ एनके से अलग होकर हमारे ग्रुप की एक मेहनत या मशक्कत जो भी थी उसमें अपना प्यार देने के लिए आए, और पीयूष भाई के साथ एक प्ले हमने किया, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन एनार्किस्ट, म्यूजिकल प्ले था, पहली बार गाना गाना था बाकायदा, तो उन्होंने यही पूछा था कि किस किस को गाना आता है, तो 12 लोगों ने उठाया था, और जिन्होंने नहीं उठाया था उनसे गाना गवाया कि यू हैव टू सिंग लाइक एन एक्टर, तो डोंट वरी। तो मैं भी था उसमें, दीपक डोगरा भी था, तो हमने वो प्ले किया, बहुत अच्छे अच्छे जगह पर शोज किए, ऑडियंस आने लग गई थी, जो एक जमीन बनी थी अब उसको एक एक तरीके से ऑडियंस का आपकी मोहब्बत मिलने लग गई। तो ये जब हुआ शुरू, तो आशीष विद्यार्थी से एक दिन मिलना हुआ पीयूष भाई की वजह से, उनका एक प्ले था एन इवनिंग विद पीयूष मिश्रा, तो उसमें वो 3 घंटे तक सोलो परफॉर्मेंस करते थे। अरे वाह। तो एक दिन मनोज वाजपेयी से मिलना हुआ, तो उनको देख के एक आकर्षण तो होता था। दिस इज ऑल इन मुंबई? ऑल इन मुंबई, नो नो नो, इन दिल्ली, इन दिल्ली, श्रीराम सेंटर बेस में। तो दिल तो करता था कि भाई इनसे मिला जाए।